या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत गेंदाबाई मोहनलाल लोढा, मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर, जिल्हा जळगाव. अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जवाहरलाल लोढा. धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बडा कोठा जामनेर, जिल्हा जळगाव. प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी जामनेर, जिल्हा जळगाव. वाणी के जादूगर, कलम के कलाधार, संसार के बेताब बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है परचा, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन. दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगिनी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुवर्या के चरणों में एवं गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन, नंदन, अभिनंदन. मेरी अनंत आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन. बड़े ही श्रद्धा के साथ आप एक साथ में गाओगे. सच कहती हूँ भक्तो, वो दार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा. राजा रानाओं की हस्ती झुकी है उनके आगे, चलती चलती रेल श्रद्धा भाव से जिसने भी चरणों में शीश झुकाया, हुई मुरादे पूरी उनकी, बिन मांगे सब पाया, बिन मांगे सब पाया. मन की आंखें खोलो, हो मन की आंखें खोलो, दीदार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा. परवाधी राज की मंगल वेला, गुरु चरणों से धन्य हो रही है. परवाधी राज की मंगल वेला, गुरु चरणों से धन्य हो रही है. आज का परुषण माँ पर्व का सातवां सूर्योदय हमारे सामने उदित हो रहा है और हमें नई प्रेरणा, नई ताजगी, नया संदेश और नई चेतना लेकर कर आया है. हर एक दिन अपना महत्व का महत्वपूर्ण होता है और अपनी अपनी महत्वपूर्णता रखता है. पहले दिन से ही हम सुनते आ रहे हैं, यानी क्या पहले दिन से ही, यानी कोई कोई आत्मा है, कोई कोई भवी आत्माएं होते हैं, कोई कोई पुण्यशाली ऐसी आत्माएं होते हैं कि वह हर साल ही प्रतिक्रमण करते रहते हैं. लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है कि पक्षी पक्षी का क्या करते हैं, पक्षी पर्व का प्रतिक्रमण करते हैं. और कुछ आत्माएं ऐसी होती है किसी परिश्रम के 8 दिन क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं. और कुछ आत्माएं ऐसी होती है कि सिर्फ संवत्सरी का 1 ही दिन क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं. लेकिन जो इस परिश्रम पर्व के 8 दिन से, अगर जो पहले दिन से ही प्रतिक्रमण सुनते आ रहे हैं, आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं और करते होंगे, प्रतिक्रमण के अंदर एक बोल आता है. क्या आता है? आज का जो हमारा सातवां दिन है, क्या संदेश दे रहा है हमें, क्या कह रहा है हमें, बताइए. आप प्रतिदिन प्रतिक्रमण कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम ही बता देंगे. प्रतिक्रमण का एक बोल आता है, पड़िक कमामिम सत्यहिम भयठानेहिम. क्या आता है? पड़िक कमाहिम सत्यहिम भयठानेहिम. अर्थात ये जो हमारे जैन दर्शन के अंदर, प्रतिक्रमण के अंदर जो 7 प्रकार के भय बताए हैं, कितने प्रकार के भय,
एक नहीं दो नहीं कितने प्रकार के, 7 प्रकार के भय बताए हैं। आज का दिन हमें यही संदेश दे रहा है, यही कह रहा है कि हमें 7 भय से हमारी आत्मा को क्या करना है, भय से मुक्त करना है। भय से मुक्त हो जाए ऐसा प्रतिक्रमण क्या करना है, हमें प्रतिदिन ऐसा प्रतिक्रमण करना है। हम प्रतिदिन निर्भय बनी हुई आत्माओं का वर्णन हम अंतर्गत सूत्र के अंदर सुन रहे हैं या सुनते आ रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या सुना, राजाओं के बारे में सुना, पटरानियों के बारे में सुना, राजकुमारों के बारे में सुना, गाथापति के बारे में सुना, सेठ साहूकारों के बारे में सुना, लेकिन आज हम सुनने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज हम सुनने जा रहे हैं एक छोटे बालक की कहानी। क्या है आज हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे बालक की कहानी जो बहुत ही रसीली है और बहुत ही क्या है, अच्छी है। मगर इस बालक ने बालपन को कैसे सार्थक किया, कैसे सार्थक किया होगा उस बालक ने, जैन इतिहास के पृष्ठों के अंदर एक छोटे से बालक का प्रसंग आना कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात रखता है जैन धर्म। सार्थक किया है हम देखेंगे, बचपन हो चाहे जवानी हो, क्या है, बचपन हो जवानी हो चाहे बुढ़ापा कहो, कभी भी आदमी क्या हो सकता है, तीर सकता है। धर्म के लिए कोई ऐसा नहीं कि जवानी चाहिए, बालक की चाहिए या युवक की चाहिए, ऐसा भगवान ने कुछ फरमाया नहीं है। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि बचपन कहो या जवानी कहो या बुढ़ापा कहो, कभी भी आदमी क्या हो सकता है, तीर सकता है। क्योंकि इसकी पूर्व की क्या होती है, पुण्यवानी हो सकती है, वही कभी भी तीर सकता है, बाल्यकाल के अंदर तीर सकता है या यौवन अवस्था के अंदर तीर सकता है या वृद्ध अवस्था के अंदर भी क्या हो सकता है, तीर सकता है। तो बंधुओं, ये पुरुषार्थ करने का समय हमारे सामने क्या हो चुका है, आ चुका है। ये पुरुषार्थ करने का समय कितने दिन चले गए अभी हमारे हाथ में से, 6 दिन निकल चुके हैं। अब सिर्फ कितने दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं हमारे सामने बंधुओं। तो ये 2 दिन अभी भी हमारे हाथ में क्या है, डोर है। तो हम उस डोर को किस तरीके से पुरुषार्थ करके अपने आत्मा को क्या करना है, परमात्मा में लगाना है। तो किसी ने बताया है कि बाल्यावस्था में तू अंतर्मुखी नहीं मातृमुखी बना, क्या बताया है, बाल्यावस्था में तू मातृमुखी बना। जब बालक होता है तब उसे क्या होता है, सिर्फ मेरी माँ सब कुछ है। तो इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में तू मातृमुखी बना, युवा अवस्था में तू तरुण मुखी बना, युवा अवस्था में तू तरुण मुखी बना, वृद्ध अवस्था में तू पुत्र मुखी बना, वृद्ध अवस्था में तू पुत्र मुखी बना। तू तो अंतर्मुखी कब बनेगा बंदे, तू तो अंतर्मुखी कब बनेगा। तो बंधुओं, हमें अंतर्मुखी बनने के लिए अब हमारे पास कितने घंटे बाकी है, कितने घंटे बाकी है, ऐसे 3 दिन बाकी है, 24 48 करो तो कितने घंटे बाकी, अभी तो बहुत सारे घंटे बाकी है। तो हमें अंतर्मुखी बनना है, तो आप अंतर्मुखी बनने के लिए आज से ही क्या कर दो, और पुरुषार्थ करना चालू कर दो। कल हमने सुना था कि अर्जुन माली जहाँ पर गुणसिलक नामक उद्यान है और वहाँ पर कौन पधारे हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी, परमात्मा महावीर स्वामी पधारे हुए हैं और वह अपनी जिनवाणी का रसस्वान करवा रहे हैं। और जैसे ही सुदर्शन सेठ को पता चला कि इस नगरी के अंदर कौन आए हुए, राजगृही नगरी के अंदर गुणसिलक उद्यान में भगवान महावीर स्वामी तिन्नानम तारियानम की जहाज हमारे राजगृही नगरी के अंदर आ चुकी है। जैसे ही सुदर्शन सेठ ने सुना और माता पिता के पास गए कि मुझे क्या करना है, भगवान परमात्मा के दर्शन करना है, लेकिन माता पिता ने क्या किया, उन्हें मना कर दिया कि बेटा तू नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर खूंखार डाकू, क्या है, खूंखार अर्जुन माली बैठा हुआ है जो प्रतिदिन क्या करता है बेटा, कितने जनों की हत्या करता है, 6 जनों की हत्या करता है। और वह मतलब उसके सामने जाने के बाद वह किसी को भी नहीं क्या नहीं करता है, नहीं छोड़ता है, ऐसा वह अर्जुन माली हत्या करने वाला सामने बैठा हुआ है
और तू उसके सामने से भगवान के दर्शन करने के लिए क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। किसी ने संगीत के माध्यम के अंदर से बताया, राजगृही नगरी के अंदर रहता था अर्जुन माली, राजगृही नगरी के अंदर रहता था अर्जुन माली, छे पुरुष और संग एक नारी हत्या करता था भारी, छे पुरुष और संग एक नारी हत्या करता था भारी, राजगृही के अंदर रहता था अर्जुन माली। क्या बता रही है माँ कि राजगृही नगरी के अंदर एक अर्जुन माली है जो प्रतिदिन छह पुरुष और एक नारी की क्या करता है, वह हत्या करता है। तो बेटा तू मत जा, यहाँ से ही तू प्रभु वंदन क्या कर ले, प्रभु वंदन कर ले। लेकिन सुदर्शन सेठ का जो मन है कि माँ मैं यहाँ से कैसे क्या वंदन कर सकता हूँ, मेरी आंखें उनके दर्शन करने के लिए तरस रही है माँ, मुझे जाने दो। तब सुदर्शन सेठ चले जाते हैं और पहले ही जैसे दरबार से बाहर निकले, राजगृही के बाहर निकले, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही कौन नजर आए, अर्जुन माली नजर आए। आगे क्या वर्णन आता है तब हम देखते हैं। तैनम तसुदन सेठे अम्मा पियरो जाहे नो संचायती बुहेम आगमनायम जाओ पर्वते तैनम से अम्मा पियरो ताहे कथामाया चैव सुदन सनम सेट्टी में वयसी यहाँ सुम देवानु पिया तयनम से सुदन सने अम्मा पी ही अब्बुनु नाये समाने नाहे सद्धु पावा वैसाइम जाओ शरीरे सया होगी यहाँ पड़ी निखमयिता पाय भियाचारेनम राय गियम नगरम मज्जम मज्जनम निगच्छे निगच्छयिता मोगर पानी स जक्खस जक्खाय न स अधुर सामंते नम जैनेव गुणशिलिये तेये जैनेव समने भगवम महावीरे तेनेव पारेत गमनाय तयनम से मोगर पानी जक्खे सुदन सनम समुन भाषय अधुर सामंतेनम वीय वयमानम पासे पासेता असुरुते पलस सन्निफन्नम अयोमयम मोगरम उलाले माने जैनेव सुदन सने समुन वासय जैनेव जैनेव पहारेतनम गमनाय। अर्थात सुदर्शन सेठ की नाना प्रकार की दलीलों से परास्त हुए, उनके माता पिता ने उन्हें अपने सत्य संकल्प से एक तिल भर भी इधर उधर न डिगा सके, और जब वे उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए तब वे अपने पुत्र से बोले, यदि हमारा कहना नहीं मानना, यही तुमने निश्चय किया हो तो तुम्हें जैसा सुख ज्ञात हो वैसा करो। ऐसे माता पिता की आज्ञा हो जाने पर सेठ ने स्नान किया और शुद्ध वस्त्रों से सज करके वे घर से निकल पड़े। राजगृह के मध्य रास्तों में पैदल ही मुद्गर पानी यक्ष के स्थान के निकट होते हुए गुणशिलक नामक बाग की तरफ से जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराजते थे उधर से उधर जा रहे थे। तब वह मुद्गर पानी यक्ष सुदर्शन श्रवणोपासक को कुछ समीप में ही आते देखकर क्रोधित हुआ और अपने उस 1000 पल के भारी लोहे के मुद्गर को फिराता हुआ उछालता हुआ क्या किया उसने, अर्जुन माली ने, जैसे ही वह 1000 पल का यानी 58 किलो का जो लोहे का मुद्गर था वह फिराता हुआ क्या आया, सुदर्शन सेठ के पास आने लग गया। देखिए अब दोनों के अंदर द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है। ये समझने की बात है, आप ध्यान से सुनना कि दोनों के अंदर द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है, बड़ा भारी युद्ध होने जा रहा है। अब सुदर्शन के पास कौन सी शक्ति है, एक देविक शक्ति है और अर्जुन माली के पास कौन सी शक्ति है, आसुरी शक्ति है। कि दोनों शक्ति में से कौन सी शक्ति बचा सकती है, जैसे ही सुदर्शन की देविक शक्ति के शस्त्र हर युद्ध के अंदर शस्त्र होते हैं, तो उसी तरह सुदर्शन सेठ के पास जो देवी शक्ति थी उनके शस्त्र थे अहिंसा क्षमा निर्भयता और अद्वेष, और अर्जुन माली के पास आसुरी शक्ति के शस्त्र थे। कौन से शस्त्र हो सकते उसके पास, वहाँ पे कोई भाला तलवार वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन अर्जुन माली के पास आसुरी शक्ति के शस्त्र कौन से थे, हिंसा क्रूरता और भय द्वेष आदि के क्या थे, इस प्रकार के शस्त्र थे। लेकिन उस टाइम पर सुदर्शन सेठ के पास जो देविक शक्ति थी उनके शस्त्र क्या हुए, उनको काम आ गए। जैसे वह मुद्गर को फिराता तथा उछलता हुआ उन सुदर्शन सेठ के निकट आ पहुंचा, तैनम से सुदर्शन
सबनों पास मोगर पानी जखम यजमान पासे पास अभिये अतत्ते अनुविज्ञे अखुभिये अचलिये असबंधे वत्थयनं भूमि पजयिता पजयिता करयेलवयौ मयसि नमोत्थुनम् अर्यन्तानं जासम्पत्तानं नमोत्थुनम् समनस्य जा सम्भाव्य कामस्य पुविं च न मये समनस्य भगो महावीरस्य अन्तिम थुलये पानैवायाये पच्चखाय जावज्जीवाय थुलये मुसामाय थुलये अधिनदाने सदर संतोषे कये जावज्जीवाय इच्छा परिमाने कये जावज्जीवाय तम यानिम पीनम तस्यैव अत्यम सर्वं पानैवायं पच्चखामि जावज्जीवाय सवम मुसवाय संवादत्तान सवम म्यौन सव परिगम पचका जावज्जीवाय सवम कुहम जाव मिच्छादंसन सलम पचक्का जावज्जीवाय सवम असनम पानम खैमं सैव चौव्यं पी आरम पी पचक्का जावज्जीवाय जैनम एंतो व सगाव मुचिस्सा तवो में कप्पे परित अहनम एतो व सगाव न मुचिस्सा तवो में अहा पचक्काय चेवती कट्टु सागारम परिमं परिवज्जय। उसके बाद भी वे सुदर्शन सेठ अपनी ओर आते हुए यक्ष को देखकर भय त्रास उद्वेग और शोक से रहित बने रहे तथा उसे देखकर जरा भी चलायमान वे नहीं हुए। निर्भय होकर सुदर्शन सेठ ने भूमि को वस्त्र से परिमार्जित किया की ओर हाथ जोड़कर बोले नमस्कार हो उन अरहंतों को जो मोक्ष में पधार गए हैं एवं नमस्कार हो उन वर्तमान अरिहंतों को जो मोक्ष में पधारने वाले है। पहले मैंने भगवान महावीर के समीप स्थूल प्राणातिपात जीवन पर्यंत के लिए पचखान लिए थे, इसी प्रकार स्थूल मृषावाद अदत्तदान स्वश्री संतोष का अनुव्रत धारण किया था। संपत्ति की भी जीवन पर्यंत के लिए यथेष्ट मर्यादा करी हुई थी, अब इस समय उन्हीं प्रभु की साक्षी से मैं सर्व प्राणातिपात का त्याग जीवन पर्यंत के लिए करता हूँ। इसी प्रकार मृषावाद अदत्तदान मैथुन और परिग्रह का जीवन भर के लिए मैं सर्वता से त्याग करता हूँ। क्रोध मान माया और लोभ आदि यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 ही पापों को जीवन पर्यंत के लिए त्यागता हूँ। इसके अतिरिक्त सर्वता प्रकार से आहार पानी खाद्य स्वाद्य चारों ही प्रकार के आहार का भी जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। यदि इस उपसर्ग से मैं बच जाऊँ तो मुझे ये चारों त्याग सर्वता प्रकार से नहीं है, अर्थात मैं भोजन वगैरह ले लूँगा, और यदि इस उपसर्ग से मैं मुक्त न हो सकूँ तो जिस प्रकार मैंने त्याग किए हैं उसी तरह से मेरे त्याग क्या है त्याग है। इसी प्रकार सागारी अनशन व्रत को धारण करके शेष सुदर्शन प्रभु भक्ति में तल्लीन हो गए। किसी ने बताया है प्रभु को खोजने वाले को प्रभु दर्शन नहीं देते हैं, प्रभु को खोजने वाले को प्रभु दर्शन नहीं देते हैं, परंतु प्रभु में खो जाने वाले को ही प्रभु क्या करते हैं दर्शन देते हैं, प्रभु दर्शन देते हैं। तो इसी प्रकार सुदर्शन सेठ सागारी अनशन व्रत को धारण करके वहाँ पर क्या हो गए, बैठ गए। अगर मैं जिंदा रहूँगा इस उपसर्ग से अगर बच जाऊँगा तो मेरे लिए आहार पानी क्या है खुला है, और इस उपसर्ग से अगर मैं नहीं बचूँ तो मेरे क्या है जावत जीवन पर्यंत त्याग है। तैनम से मोगर पानी जखे तम पसह सन्निफन अयोमय मोगर उछाले माने जेने सुदंसने समनोवासय तेने उवा गछे त चेवन संचायती सुदंसनम समनोवासयम तैसा समपड़िपत्तिये तैनम से मोगर पानी जखे सुदंसन समनोवासयम सव समताओ परि घोले माने जाहे न चेवन संचाय सुदंसन समनोवासयम तैसा समपड़िपत्तिये ताय सुदंसनस्य समनोवासयस्य पूर्वोपसपख्यम सपड़ि दिन से स्थितिक्षा सुदंसनम समनोवासयम अनिमिषाय द्वितीय सुचिरम निरीक्षय निरीक्षयिता अर्जुनय स मालागारस शरीरम विपजाय विपजयिता तम पसहस पलसह सन्निफन्नाम अयमय मोगरम गहाय जामेव दिशम बाहुभय तामेव दिशम पड़ी गए। तत्पश्चात वह मुद्गर पानी यक्ष अपने उस 1000 पल के भारी लोहे को मुद्गर को उछालता तथा फेंकता हुआ उस सुदर्शन श्रावक के ऊपर अचानक टूट पड़ा, किंतु सुदर्शन श्रावक का तेज देखकर उनको कष्ट पहुँचाने में वह समर्थ न हो पाया। तब तो मुद्गर पानी यक्ष सुदर्शन श्रावक के चारों ओर घुमा फिर भी उनके तेज के सामने वह यक्ष का कुछ भी बल नहीं चला। तब वह यक्ष उन सुदर्शन सेठ के सन्मुख बराबर खड़ा होकर उनको अनिमेष्ट दृष्टि से वह बहुत देर तक देखता रहा, फिर वह यक्ष अर्जुन माली के शरीर से निकल गया। जिस प्रकार वह अर्जुन माली यक्ष उसके शरीर के अंदर वह यक्ष प्रविष्ट हुआ था, अर्जुन माली उठा वह क्या मुद्गर पानी को लेकर खड़ा हुआ, जैसे ही सुदर्शन सेठ को देखा
उस सुदर्शन सेठ को देखते देखते वह क्या अनिमेष दृष्टि से एक ही पलक से उसको झपकता रहा, देखता रहा, देखता रहा। कौन देख रहा है? जो मुद्गर पानी जो अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट है, वह अर्जुन माली का जो मुद्गर पानी है वो सुदर्शन सेठ को क्या कर रहा है? अपलक झपक से क्या कर रहा है? देख रहा है, देख रहा है। जैसे ही वह देखता रहा, देखता रहा, वह अर्जुन माली के शरीर से निकल गया। क्या हुआ? जो मुद्गर पानी धीरे धीरे, जिस प्रकार आप देखते हो कि एक गुब्बारा हवा से भरा हुआ रहता है और उस वह गुब्बारे को अगर थोड़ा सा धक्का लग जाए या कुछ पीन लग जाए तो उस गुब्बारे की हवा कैसे निकलती रहती है? थोड़ी धीरे 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 निकल कर वह गुब्बारा अंत में आखिर कहाँ हो जाता है? धरती पर क्या हो जाता है? पड़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो अर्जुन माली के शरीर के अंदर जो वह मुद्गर पानी था, जो मुद्गर था, वह सुदर्शन सेठ को देखकर धीरे धीरे गुब्बारे के भांति वह धीरे धीरे उसकी हवा निकलती गई और शरीर उसका शरीर क्या हो गया? जमीन पर धरती के ऊपर धड़ाम से आकर क्या हो गया? गिर गया। तैनम से अर्जुन है मालागारे मुगर पानी ना जखेन विपजय समान दसंती धरणी तलंसी सौमगे निवड़िए तैनम से सुदंसन समनवासाय निरुवसग मिथि कट्टु पड़िमम पारे। तैनम से अर्जुन है माला करे तो मोहअंतरेण आसत्य समान उठे उठेता सुदंसनम समनवासायम एवं वयसी तुभ्यनम देवानुपिया के कई म संपत्तिया तैनम सुदंसने समनवासय अज्जुनम मालागारम एवं वयसी यम खलु देवानुपिया अहम सुदंसने नामम समनवासय अभगया जीव जीवे गुणशीलिये चये समने समनम भगवम महावीरम वंदय संपत्तिये। तदनंतर वह अर्जुन माली उस यक्ष के पंजे से विमुक्त होते ही धमाक से भूमि पर जा गिरा। उधर उन सुदर्शन श्रावक ने अपने को उपसर्ग रहित जानकर अपनी प्रतिज्ञा को पाला। कुछ समय के पश्चात वह अर्जुन माली स्वस्थ होकर खड़ा हुआ। जैसे ही वह मुद्गर पानी निकलते निकलते वह अर्जुन माली जमीन पर गिरा हुआ था और बेहोश स्थिति में हो गया था। जब सुदर्शन से खड़े होकर बोला, उसकी बेहोशी पूर्ण हुई और होश की ओर आया। और जब खड़ा होकर वो सुदर्शन सेठ से बोला, हे देवानुप्रिय, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सुदर्शन सेठ ने कहा, मैं सुदर्शन एक नामक श्रमणोपासक एक व्यक्ति हूँ। मुझे जीव अजीव का बोध है। गुणशील उद्यान में भगवान महावीर का शुभागमन हुआ है। मैं उन्हीं को नमस्कार करने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तैनम अर्जुनाय माला करे सुदंसनम समनवासय यो मय सीतम इच्छामि नम बनते देवानुपिया अहम आवि तुमय सद्यम समनम भगवम महावीरम वंदेतय जाव पजुवासते अहा स्वम देवानुपिया तैनम से सुदंसनम समनवासय अर्जुनयनम माला करेनम सद्यम जेने गुणसिलिये जये जने समने भगवम महावीरे तेने उवागचे उवागचेता अर्जुनयनम माला करेनम सद्यम समनम भगवम महावीरे तिकुतो जाव पजुवासाय तैनम समनम भगवान महावीरन सुदंसनस्त समनोवासयस अर्जुनयस मालागारस्त तिसेय धम्मकाय सुदंसने पड़ी गए। उसके बाद उस अर्जुन माली ने सुदर्शन सेठ को इस प्रकार कहा कि हे देवानुप्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान महावीर स्वामी को वंदना तथा उनकी सेवा भक्ति के लिए क्या करना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ। तो आप मुझे आने दोगे क्या? उस परमात्मा के पास जाने के पास शैतान भी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जो शैतान भी हो जाता है उसे भगवान क्या कर देते हैं? इंसान बना देते हैं। अच्छे से अच्छे को, पामर प्राणी को भी क्या बना देते हैं? वो पावन बना देते हैं और अच्छा बना देते हैं। किसी कवि ने बताया है, नरेशु नारायण प्रभु मने भी बना दो, आप जठे हो उठे माने लालो, नर सुनारायण प्रभु मने भी बना दो, आप उठे माने भी बुला लो, प्रभु थारे शरणे आयो माने भी तिरा दो, प्रभु थारे शरणे नारायण प्रभु मने भी बना दो, आप जठे हो उठे माने भी बुला। तो इसी प्रकार
वह भगवान महावीर स्वामी को उसके अर्जुन माली के वंदना करने के लिए भी कि मैं परमात्मा के पास पहुँच कर मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो इसलिए वह सुदर्शन सेठ को पूछ रहा है कि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तब उत्तर में सुदर्शन सेठ ने कहा, जो तुम्हें सुख हो तो वैसा करो। ऐसा कहकर वह सुदर्शन सेठ अर्जुन माली को साथ लेकर गया। जिस गुणशील उद्यान में भगवान महावीर विराजते थे वह आया। दोनों ने भगवान को वंदना की और अपने जीवन तथा जन्म कृत्य को कृत्य किया। भगवान ने भी उन दोनों को धर्म कथा सुनाई, धर्म उपदेश दिया। सुदर्शन सेठ धर्म उपदेश श्रवण करने के पश्चात वह अपने घर पर लौट गए। तैनम से अर्जुन माला करे समनस भगवो महावीर अंत्य दमम सोचा निशम हट्ट तुट्ट एवं वयसी सदामिनम बनते दिगंतनम पावन जाओबुट्टे में आसोम देवानुपिया तैनम से अर्जुन मालागारे उत्तर पुरीथम दिशि भागम अवकमाई अवकमयिता स्वयम एव पंचमुठ्ठीम लोयम करी करिता जाओ अनगारे जाए जाओ वीरई तैनम से अर्जुन अनगारे जम जेवन दिवसम मुड्डे जाओ पवयतम एव चेव दिवसम समनम भगवम महावीरम वंदई नमस्ते नमस्ता वंदिता नमस्ता इमम यारो अभिगम उग्नई कपई में जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम अनिकितेनम तवकमेनम अपानम भवेमानस वीरत्यति कट्टु अयमयारुवम अभिगम अग्नयिता जावज्जीवाय जाओ वीरई। परंतु अर्जुन माली ने जो भगवान महावीर का उपदेश सुना था उसका बार बार उसने मनन किया। क्या किया उसने मनन किया, तब बड़ा ही प्रसन्न होता हुआ बोला कि हे भगवान, निग्रंथ प्रवचनों से मैंने आपके मुखारविंद से सुना है और उस पर मुझे विश्वास क्या हो गया है, मुझे विश्वास हो गया है और मैं आपके पास क्या करना चाहता हूँ, दीक्षित होना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, जैसा भी तुम्हें सुख उपजे वैसा करो। यह सुनते ही अर्जुन माली ने ईशान कोण में जाकर स्वयं में पंचमुष्टि लोचन किया और साधु के महाव्रतों को धारण कर वह साधु बन गया। उसी दिन से अर्जुन अंगार ने भगवान को वंदना करके जीवन पर्यंत अंतर रहित बेले बेले पारना करने का अभिग्रह धारण कर लिया और वे बेले बेले पारना करते हुए विचरण करने लगे। तैनम से अर्जुन अनगारे छट्टम अखन पारन ऐसी पड़म पोरी से सज्जायम करी जा गोयम सामी जाओ अड़ई तैनम तम अर्जुन अनगारम राय किए नये उच्च जाओ अड़मानम बहवे इथ्यो य पुरीसाय ढहराय महलाय जुवानाय एवं वयसी इमेनम पिया मारे भाया मारे भगिनी मारे भज्ज मारे पुत्र मारे भुया मारे सुन्ना मारे इमेन में अन्य रे सैन संबंधि परिय ने मारी है ती कट्टू अपे गैया अक्को संती अपे गैया हिलंती निदंती खिसंती गरियंती तज्जंती तालंती। तत्पश्चात उन अर्जुन मुनि ने बेले के पारने के दिन प्रथम पैर में स्वाध्याय किया, द्वितीय पैर में ध्यान किया, तीसरे पैर में गौतम स्वामी की भांति गोचरी के लिए शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं। उन अर्जुन मुनि को भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए किसी दिन राजगृह में अनेक स्त्री पुरुषों ने तथा बालकों ने और युवाओं ने देखा। उन्हें देखते ही अनेक प्रकार का बैर बदला चुकाने की भावना ने उन लोगों को हृदय में जोर पकड़ा। उनमें से कोई कहने लगा कि यह वही है जिसने मेरे पिता माता बहन श्री पुत्र बेटी और पुत्र वधुओं आदि का आकारण ही संहार कर दिया है। इतना ही नहीं, अनेक स्वजन संबंधियों को भी इसने असमय में ही परलोक को पहुंचा दिया है। ऐसा कहकर कोई उन पर आक्रोश करने लगा, कोई हिलना करने लग गए, कोई निंदा करने लग गए, कोई खिसियाने लगा, कोई गहरा करने लगा, कोई तर्जना और कोई ताड़ना करने लगा। तैनम से अर्जुन अनगारे तेहिम बहुम इथिम यह पुरीसेम यह डहरेम यह महलेम यह जुवानेहिम यह अवश्य जमाने जाओ ताले जमाने तेसी मनसा वीना अपो समाने समस सहिये सम्मम कमय तिथि कई अय्या सही सम्मम सह माने खम माने तिथि कमाने अय्या समाने राय गिये नयरे उच्च नियम अज्जी मकुलाइम अड़माने जय मत्तम भत्तम लभई तो पानम न लभई जय पानम तो न तो भत्तम न लभई तैनम से अर्जुन अनगारे अधिने अभी मने अकुल से अनाइले अभिसाई अपरितता जोगी अड्डई अड्डईता राय गिया हो नये राहो पड़ी निखमिता जैनव गुण से ये चाहिए जैनव समने भगवम महावीरे जहाँ गोयम स्वामी जाव पड़ी देसे इंता समने नम भगवया महावीरे नम अभनुनाय अमुचिये बिलमिव पनक भोयनम अपा नेनम तमहारम आहरे।
इस प्रकार स्त्री पुरुषों छोटों बड़ों सभी ने उसे ताड़ना तर्जना की। प्राय सभी ने अपना अपना वे का बदला लिया। किसी न किसी भांति चुका लेने की पूरी पूरी चेष्टा उस समय की। शरीर वही होने पर भी उनकी भावनाओं में एकदम अंतर था। थोड़े में यूं कहा जा सकता है कि यदि पहले उनका संबंध जगत के साथ 63 का रहा होगा तो आज वह 36 का हो गया था। अतः जो भी कुछ परिसर उन्हें उस समय पहुंचाया गया वह हंसते हंसते उन्होंने सब कुछ सहन कर लिया। ऐसी परिस्थिति में आहार मिलता तो पानी नहीं मिलता और पानी मिलता तो आहार नहीं मिलता। इसी प्रकार समय पर रुखा सूखा जैसा भी भोजन मिल जाता उसे ही अधीन अविमना अकुलश अक्षोभित अविषादी तन तनाटे आदि विक्षेप भावों से निरे असंग रहकर लेते हुए राजगृह से निकल वे गुणशील बाग में आते और वहाँ वे लाया हुआ भोजन भगवान महावीर को श्रद्धा समेत दिखाकर उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर वृद्धिपन से रहित जिस प्रकार सांप बिल में घुसता है ठीक उसी प्रकार राग द्वेष रहित उस भोजन का सेवन कर अपना संयम निर्वाह करते। तैनम समने भगवान महावीर अन्नया कयम राय गियाओ नये राओ पड़ी निखमयिता बह्यम जन वय विहारम वीरई तैनम से अज्जुन अनगारे तैनम ओरा लेनम यू लेनम पयतेनम पर पगयेनम महानुभागेनम तवकमेनम अपानम भावे माने बहुपन्ने क्षमा से सामान्य पारिगामम पौनई अधमासी सलेनाय अपानम जिसे जिसे तिसम बत्तायम अनसनाय छेदे छेदे ता जसठाए करे किरई जाव सिद्धे। फिर किसी समय जब श्रमण भगवान महावीर राजगृह से विहार कर जनपद देश में विचरण कर धर्मोपदेश कर रहे थे उसी अवधि में उन महानुभावी अर्जुन मुनि ने प्रयत्नपूर्वक ग्रहण किए हुए बेले के पारने उस प्रधान तप से अपनी आत्मा को निजानंद में रमाते हुए पूरे 6 महीने का चारित्र पाला तथा अपने अंतिम समय में पूरे 15 दिनों का संतारा कर इन 6 महीनों में अर्जुन मुनि ने अपने संपूर्ण घनघाती कर्मों को क्षय कर डाला और उस और मोक्ष प्राप्त किया अर्थात वे सिद्ध हो गए। उख्य व चौतस्थ अध्ययन संयम खुल जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम रायगिये नयरे गुणशिले जये तथनम सेनीय नया राया कासेवे नामम गावे परिवसे जा मकाई सोलसम वासा परियाओ विपुल सिद्धे एवं खेमय वि घावे नवरम कागंदी नयरी सोलसम वासा परियाओ विपुल सौवय सिद्धे एवं द्वितीय रे वि घावे कागंदी नयरी सोलसम वासा परियाओ जाओ विपुल सिद्धे एवं कैलासे वि घावे नवरम सागे नयरे बारस वासयम परियाओ विपुल सिद्धे एवं हरिचंदने वि घावे सागे नयरे बारस वासा परियाओ विपुल सिद्धे एवं बारवते वि घावय नवरम रायगी नयरे बारसवासा परियाव विपुल सिद्धे एवं सुदंसने वि घावय नवरम वानिय गामे नयरे दुईपाला से चैये पचवासा परियाव विपुल सिद्धे एवं पुनबद्धे वि घावय वानिय गामे नयरे पंचवासा परियाव विपुल सिद्धे एवं सुमनबद्धे वि घावय सावत्तिये नयरिय बहुवासा परियाव विपुल सिद्धे एवं सुपयिठे वि घावय सावत्तिये नयरिय 27 वासा परियाव विपुल सिद्धे एवं मेह गई गावय राय घिरे नयरे बहुम वासयम परियाओ विपुल सिद्धे। जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से कहा कि भगवान 6 वर्ग के तृतीय अध्ययन में भगवान महावीर ने जो फरमाया था वह आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया। अब 6 वर्ग के चौथे अध्ययन में भगवान ने जो भी कुछ फरमाया है उसे हृदयगम करने के लिए मेरा मन बड़ा ही छटपटा रहा है अतः उसी का विवेचन कर मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। हे जम्बू उस समय जो राजगृह नगरी थी उसके पास गुणशिलक नामक एक बाग सुशोभित था। उस समय वहाँ श्रेणिक नामक एक राजा राज्य करते थे। उन दिनों वहाँ काश्यप नामक एक गाथापति रहता था। गाथापति यानी क्या? जो नगर सेठ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गाथापति कहते हैं। तो वहाँ पर ऐसे नगर सेठ रहते थे जिनका नाम क्या था? काश्यप नाम था। जिस प्रकार मकई नामक गाथापति ने दीक्षा धारण की ठीक वैसे ही काश्यप गाथापति ने भी समय पर वैराग्य दीक्षा धारण की 16 वर्ष का चारित्र पालन किया और अंतिम समय विपुल गिरी पर संतारा लेकर अपने सारे कर्मों को नष्ट किया पश्चात में वे मोक्ष में पधार गए। इसी तरह 5वें अध्ययन में उल्लेख है कि काकंदी नगरी के निवासी शेमक गाथापति ने भी दीक्षा लेकर 16 वर्ष का चारित्र पालन किया तथा अंतिम समय में विपुल गिरी पर संतारा ले हुए मुक्ति में चले गए। आगे 6वें अध्ययन में भी उसी कागदनी के निवासी धृतिधर नामक गाथापति के संबंध में भी ठीक ऐसा ही कहा गया है। तब 7वें और 8वें अध्ययन में यह उल्लेख पाया जाता है
कि सांकेत नगरी निवासी कैलाश और हरिचंदन नामक गाथापतियों ने भी समय पर भगवान महावीर का उपदेश सुना, दीक्षा को अंगीकार की और 12 वर्ष तक चारित्र का पालन कर अपने अंतिम समय में भी उसी विपुल गिरी पर संतरा लेकर मोक्ष धाम को सिधार गए। आगे 9वें अध्ययन में भी राजगृह के निवासी वार्तक नामक गाथापति के संबंध में ठीक इसी प्रकार का वर्णन पाया जाता है। उसके दीक्षित होने, चारित्र पालन करने तथा संतारा ले मोक्ष में जाने आदि का वर्णन ठीक 8वें अध्ययन के ही समान है। इसी प्रकार 10वें और 11वें अध्ययनों में भी उल्लेख श्री दुतिपला सुदन में सुशोभित वानिया गांव के निवासी सुदर्शन और पूर्णभद्र गाथापति ने भी दीक्षा लेकर 5 वर्ष का चारित्र पालन किया तथा अपने अंतिम समय में उसी विपुल गिरी पर संतारा ले वे मोक्ष में पधार गए। आगे 12वें और तथा 13वें अध्ययनों में भी वर्णन किया गया है। श्रावस्ती नगरी के निवासी सुमन भद्र वसुप्रतिष्ठ नामक गाथापति ने दीक्षा धारण की। सुमन भद्र मुनि ने अनेक वर्ष तक चारित्र का पालन किया। वसुप्रतिष्ठ मुनि ने 27 वर्ष तक चारित्र पाला। ये तब दोनों ही अपने अपने अंतिम समय में विपुल गिरी पर संतारा लेकर मुक्ति में गए। आगे 14वें अध्ययन में भी राजगृह के निवासी मेघ नामक गाथापति का उल्लेख आता है। उन्होंने भी समय पाकर दीक्षा धारण की। अनेकों वर्षों तक वे चारित्र का पालन करते रहे और अंतिम समय में विपुल गिरी पर संतारा लिया तथा मुक्ति धाम को गए। ऐसे हे जम्बू, 6ठे वर्ग के 14 अध्ययनों को थोड़े में सार रूप कथन या यह कहकर सुनाया। जिस प्रकार अरिष्ट ने भी भगवान के समय में जो भी मोक्ष में गए वो कहाँ से गए, वहाँ पर अरिष्ट ने भी भगवान का जो वर्णन चल रहा था शास्त्र के अंदर एक ही शब्द आ रहा था, शत्रुंजय शत्रुंजय, और इसमें विपुल गिरी। जो भी अरिष्ट नेमी के समय में जो मोक्ष में गए वो कहाँ से गए, शत्रुंजय पर्वत से। शत्रुंजय का मतलब है कि शत्रु के ऊपर क्या कर लिया, उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। और भगवान महावीर स्वामी के समय के अंदर जो भी आत्माएं मोक्ष में गई वो कौन से पर्वत से गई, विपुल गिरी पर्वत से गई है। अब आगे वर्णन आता है, जिस हम छोटे बालक का वर्णन आपको सुनाने जा रहे हैं, पोलासपुरे नयरे श्रीवने उज्जाने तथनम पोलासपुरे नयरे विजये नामम राया होता तस्सरम विजयस रन्नो श्री नामन देवी होता वन्नव तस्सरम विजयस रन्नो पुत्ते श्री देवी अत्ते अयमुत्ते नामम कुमारी होता सुकुमाले तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवम महावीरे जाव श्रीवने वीरे तेनम कालेनम तेनम समय समन स भगव महावीर स जटे अंत्यवासी इंद वही जा पन्नते जाओ पोलासपुरे नयरे उच्च जाओ अड़ई इमं च नाय मुत्ते कुमारे नाय जाओ विभुसे बहुम दारे ही य दारी अयम य डिबे डिबे ऐम य डिबी आयम य कुमार हिम य कुमारी आयम सद्यम संपुरी उड़य सयाओ गिहाओ पड़िनी खमय पड़िनी खमयता जेने इदठाने तेने उवा गए तेम बोयम दारे ही य दारी आयो डिम्बे यम डिम्बी आयम य कुमारी य कुमारी आयम सद्यम संपुरी उड़य अभिरमाने अभिरमाने माने वीरही तैनम भगवं गोवे में पोलासपुरे नगरे उच्च नियम जाओ अड़माने इंदठान स अधुर सामन तैनम वायुवये तैनम सही मुत्ते कुमारे भगवं गोयम अधुर सामतेनम वीय वयमानम पासे पासे था जैन भगवं गोयम तेने उवा गई उवा गय उवा गयता भगवं गोय में यम वयासी केनम बनते तुभे किम वा अडैवा तैनम भगवं गोय में अय मुत्तम कुमार यम वयासी यमनम देवानुपिया समना निगंत ईरिया समिया जा गुंतव बयारी उच्चनीय जा वड़ामो तयनम अति उत्ते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयसी एहनम बंते तुब्बे जानम अहम तुब्बम विक्कम दावा दवा में वेमिति कट्टु भगवं गोयमे अंगुलिये गेन्नई गेन्नई ता जेने व गिने तेने उवा गये तयनम सा श्री देवी भगवं गोयमे गोयमम यजमानम पासे पासे ता हट्ट तुट असना अबुट्टे अबुट्टे ता जेने व भगवं गोयमम तेने उवा गया भगवान गोयम तिकुत्तो अयनम पयनम करे करिता मंदय नमस्ते वंदिता नमस्ता यूलेनम असन पानम खादिम मसान दामेनम बड़िला में ही जाव पड़ी वस जयी तैनम से आई मुत्ते कुमारे तैनम कुमारे भगवान गोय में यम वयसी कैनम बनते तुब्बे परी वसे तैनम भगवान गोय में अय मुत्तम कुमार यम वयसी यम खोलु देवानु पिया मम दमायरिये दम वयसे भगवान महावीरे आई गरे जाव संपव कामे यो पोलासपुरस नयरस भैया सिरिवने उज्जाने अपा अहा पड़ी गहम उगम उगनिता संजय मेनन जाओ अपानम भावे माने वीरे
तय तथा हमें परिवसाओ तयनम से अयमुत्य कुमारे भगवान गोहे में यौम वयसी गच्छामिनम बनते अहम तुभ्य हिम सद्दीम समनम भगवान महावीरम पाय मंदे अह सोम देवानु पिया तयनम से अयमुत्य कुमारे भगवया गोयम एनम सद्दीम जन्य समने भगवान महावीरे तेने हुआ गचयिता समनम भगवान महावीर तिकुत्वायनम पयनम करी करिता मंदे जाओ पुजवासाई तयनम भगवान गोये में जैन समने भगवान महावीर तेने हुआ गए जाओ पड़ी दंसई ता संजय मेरन तो सापन भाव माने वीर तयनम समने भगवान महावीर अय मुत्त मुत्त स कुमार सतिस्ते धम्मका तयनम से अय मुत्य कुमारे समन स भगवान महावीर स अंत्य धम्मम स्वच्छा निसम हट्ट तुट्ट जम नवरम देवानु पिया अम्मा पियरो अपुछामी तयनम तम अहम देवानु पियानम अंत्य जाओ पवयामी अह स्वम देवानु पिया माँ पड़िबद्धम करे तयनम अय मुत्य कुमारे जेने अम्मा पियोर तेने हुआ गए जाव पवती तय अय मुत्तम कुमार अम्मा पियोर यौम यसी बाल सिद्धि वा तुमम पुत्ता असबुंदे सिम तुमम पुत्ता किम नम तुमम जानासी धम्मम तयनम से अय मुत्य कुमारे अम्मा पियोर यौम वयसी यौम खुल अहम अम्मा याओ तम जम जेव जानामी तम चेव जानामी चेव न जानामी जम चेव न जानामी तम चेव जानामी तयनम तम अय मुत्तम कुमार अम्मा पियोर यौम वयसी कहनम तुमम पुत्ता जम जेव जानासी जाव तम चेव न जानासी तयनम अयमुत्य कुमारे अम्मा पियोर यौ वयसी जानामी अहम अम्मा ताओ जहाँ जायनम जायनम अवस मारी मरियवम न जानामी अहम अम्मा ताओ काहे वा कही वा वा गहम कहम वा केचेरनम वा नम जानामी अहम अम्मा ताओ कहियम कम्माय यनीहम जीवा नेरिय तिरिख जोनिय मनुष्य देवेशु जवो वजंती जानामी नम अम्मा ताओ जहाँ सही कम्मा यानेहिम जीवा नेरिय जाओ वो वजंती एवं खुलु अहम अम्मा ताओ जम चेव जानामी तम चेव न जानामी जम चेव न जानामी तम चेव न जानामी इच्छामि न अम्मताओ तुभ्य अबनुनाये जाओ पवित्रिये तैनम तय मुत्तम कुमार अम्मा पियोर जाय न संचाहिति बोहिम आगा वनेहिम न तम इच्छाम ते जाया एक दिवस मवि राजसिरिम पासे तय तैनम से मुत्ते कुमारे अम्मा पियु बयन मनुयते माने तुसी ने सचिट्टई अभिशेषो जहा अभिशेषो अभिषेहो जहाँ महाबलस निखमनम जाव समय मयायी अहिजयी बहुयम वसई सामान्य पारिग्यागम परियागम गुणरयनम जाव विपुल सिद्धे मुख्य ओसो नमस्त अजय ने संयम खुल जम्बू तेनम कालनम तेनम समयनम वानारसी नये रे कामो महाने चये तथनम वानारसी अलखे नामम राया होता तेनम कालनम तेनम समयनम समने भगवान महावीर जाव वीर परिसा निकया तेनम ते अलखे राया इमि से कहाय लदठे समाने अठ दुठ जा कुने जाओ पुजवा सही धम्मम का तयनम से अलख्य राया समन स भगव महावीर संति जा उदय ने ता निखंते नवरम जठम पुत्तम जय अय सिंच एकास एकर संगा बहुवासा परियाओ जाओ विपुल सिद्धे समने नम जाओ छट्टमस वग्गस अय मठे पनते देवी इमि से लदट्टा समना जाओ हट्ट तुट्टा कोडुंबिय पुरिसे सदा वेता जानम झा पौमा वई जाव एकारस गई अयजिता विषम वासाई परियाओ जाव सिद्धा एवं तेरे सभी देवियो नदा नदा गमेनम ने आओ निखेओ। आपके सामने सातवा वर्ग शुरू हुआ है पर लेकिन वर्णन चल रहा था कि कौन सी नगरी कौन सी है पोलासपुर की नगरी और वहाँ पर विजय नाम के राजा क्या करते थे राज्य करते थे और उनकी पत्नी का नाम श्रीदेवी था और उनका एक अति मुक्त कुमार कर ऐसा एक क्या था बेटा था एक कुमार था। और अब उस अति मुक्त मुनि पहले अरिष्ट नेमी ऐसे दो थे अति मुक्त मुनि जो अरिष्ट नेमी भगवान के समय में हुए थे जो देवकी महारानी को कहा था। अगर आपने ध्यान से सुना हुआ होगा तो आपको याद रहेगा कि देवकी महारानी को उन्होंने कहा था जो मैं अरिष्ट नेमी भगवान के समय की अति मुक्त मुनि की बात कह रही हूँ कि वो एक अति मुक्त मुनि होके गए कि देवकी महारानी को कहा था कि तुम छह मुनि को क्या करोगे आप जन्म दोगी ऐसा वो अति मुक्तक मुनि ने कहा था। और यह भगवान महावीर स्वामी के समय में चौथे आर्य के अंदर अति मुक्तक कुमार जो पोलासपुर नगरी का क्या था विजय सेठ का विजय राजा का पुत्र था उसकी बात चल रही है। भगवान महावीर के समय इनको प्यार से एवंता कुमार भी कहते थे। क्या कहते थे उनको एवंता कुमार भी कहते थे। अब इनके जीवन की कहानी सुने माता पिता नगरी का परिचय। भगवान का विचरण करते तब पोलासपुर नामक नगर था। विजय नाम का राजा राज्य करते थे उनकी पत्नी का नाम श्रीदेवी था।
इनके एक पुत्र था एवंत कुमार। जन्म हुआ, पलने लगा, अब चलने लगा। धीरे धीरे उनकी उम्र 8-9 साल की हो गई और संयोग ऐसा हुआ, प्रभु महावीर का विचरण करते करते शिष्य गौतम स्वामी के साथ पोलासपुर नाम के नगर के बाहर आए, श्रीवन नाम के उद्यान में विराजमान हुए। 14,000 संतों का मालिक जो CM गोचरी के लिए भिक्षा के लिए प्रभु की आज्ञा लेके पोलासपुर नगर के लिए प्रस्थान किया। आप कह सकते हो जिसके 14,000 शिष्य है, गंधर है, गण के मालिक है। जितने भी शिष्यों की जिम्मेदारी गंधर पर होती है, तीर्थंकर पर नहीं होती है। तीर्थंकर किसी की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं, केवल प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, बीच में नहीं घुसते हैं, दखन अंदाजी नहीं करते हैं। ये वितराग का धर्म नहीं, रोका टोकी करना। जो अरिहंत होता है वो उपदेश देता है, संदेश देता है, आदेश नहीं देता है। तीर्थंकर कभी आदेश नहीं देते, वो गंधर ही देते हैं, इसलिए उनको गंधर कहा है। गंधर केवली हो जाने के बाद वह गंधर की जिम्मेदारी नहीं संभालता। आपने देखा होगा कि जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण हुए, मध्यम रात्रि के अंदर दिन निकलते ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी रहे आचार्य के पाठ पर नहीं बैठे। प्रथम आचार्य आर्य कौन थे? सुधर्मा स्वामी। गौतम स्वामी केवली बन गए, गद्दी पर सुधर्मा स्वामी बैठे। गौतम स्वामी के मौजूदगी में उनको इसलिए बनाया गण की व्यवस्था देखने के लिए किसी को रोकना टोकना भी पड़ता है, इसलिए समझना भी पड़ता है, माहौल देखना भी पड़ता है। 14,000 संतों का मालिक होते हुए भी गोचरी के लिए क्यों निकले? जब भगवान महावीर स्वामी पहली बार गांव में जाया करते थे, तब गौतम स्वामी खुद आहार लेने के लिए जाया करते थे। एक बार नगर देख लेते थे, कितनी भावना है, कहाँ से कितना लेना, कितना छोड़ना, कितना है, विवेक उनके पास था। क्योंकि 4 ज्ञान के धारी, 14 पूर्व के ज्ञाता, इतना विवेक है उनके पास। गोचरी करना भी तो विवेक का काम होता है, भावना देखनी पड़ती है। अरिहंतों की साधना होती है, संतों की भावना होती है, साधना अलग होती है, भावना अलग होती है। भावना प्रबल होती है, प्रेम से जुड़ी होती है। साधना में हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, भावना में भी नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा संतों की साधना होती है, श्रावकों की क्या होती है? भावना होती है। क्या होती है? संतों की साधना होती है और श्रावकों की भावना होती है। ये 4 चीज़ें, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये संतों के लिए। दानशील तप, भावना, ये श्रावकों के लिए। दानशील तप, तप सकते हो, भावना भा सकते हो। भावना के आधार पर कहीं कहीं आपको हमसे भी ज़्यादा दर्जा मिल सकता है, क्योंकि आपको हमारे लिए परमात्मा ने क्या बताया है? माँ बाप की उपमा दी गई है। माँ बाप का है, जैसे आप व्यवहार में बच्चों के साथ करते हो, वैसा व्यवहार संतों के साथ करना चाहिए। पर आप बहुत अलग करते हो, बच्चों की कमी छुपा जाते हो, संतों की अगर कमी नज़र आ जाए तो फ़ोन पर बताने के लिए लग जाते हो। जाँचो अपने आप को, बच्चे की कमियां छुपाते हो, कहीं बदनामी न हो जाए, संतों की बुराई कर जाते हो। उस वक्त सोचा करो, भगवान ने क्यों बनाया है आपको? आप क्यों बनाया है माता पिता? ऐसी बात नहीं है जिससे किसी और भी की भावना खराब हो जाए। गौतम स्वामी सभी घरों में घूमते घूमते वहाँ आए, जहाँ यवंता कुमार, अतिमुक्त कुमार सज धज कर अपने हम उम्र के बच्चों के साथ घूमने के लिए, खेलने के लिए एक क्रीड़ा स्थान यानी क्या? आज की भाषा में प्लेग्राउंड, क्या बोलते हैं? प्लेग्राउंड बोलते हैं। उस इंद्रस्थान पर, प्लेग्राउंड पर अतिमुक्त कुमार पहुँचे। खेल में सब बच्चे मस्त है। गौतम स्वामी उद्यान से गुजर रहे थे, परंतु नज़र पड़ गई अतिमुक्तक की गौतम स्वामी पर। वो देखा, ये कौन है? तुम मार्केट में एक ही वस्त्र पहनकर जाते हो, क्या है कि जिस प्रकार तुम मार्केट में एक ही वस्त्र पहनकर जाते हो, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं जाता है। पर हम अगर निकल जाएं, अगर साधु भगवंत अगर निकल जाएं, तो सबका ध्यान क्या हो जाता है? साधु भगवंत की तरफ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी वेश तुमसे हमको अलग करती है, हम भीड़ में भी अलग नज़र आते हैं। मुझे नहीं पता कौन किसकी घरवाली है, किसकी माँ है, और हम बीच में ही बैठे हैं तो भी पता चल जाता है कि ये हमारे क्या है? साधु भगवंत बैठे हुए हैं। हमारी पोषक मुख वसरिका से अलग नज़र आते हैं।
गौतम स्वामी को जाते हुए देखा। अति मुक्तक कुमार ने सोचा, पहली बार देखा, ये कौन है? खेल छोड़कर उनके पास आ गए। क्या हुआ? खेल छोड़कर उनके पास आ गए, आगे खड़े हो गए, कहा, रुको रुको, राजकुमार है। गौतम स्वामी क्या हो गए? समझ गए कि दिख रहा है शायद ये कौन है, राजकुमार है, राजगद्दी का मालिक है। पहला सवाल किया उसने, आपको हमने पहली बार किया देखा है। किसने सवाल किया? उस अति मुक्त कुमार, जो 8 साल का 9 साल का जो बच्चा था, उसने पहली बार देखा, उसने पहला सवाल किया कि आपको हमने पहली बार देखा है, आप कौन हो? आप आम इंसान नहीं हो, आप हो कौन? ये पहला प्रश्न किया। अति मुक्त कुमार ने गौतम स्वामी से इस सवाल को सुनकर, गौतम स्वामी ने यह नहीं सोचा कि मैं 4 ज्ञान का धारी, 14 पूर्वों का ज्ञाता, प्रभु महावीर का प्रथम शिष्य, 14,000 संतों का मालिक, ये छोटे से बच्चे का जवाब देना जरूरी नहीं है। नहीं, यही पर पता चलता है कि कौन कितना श्रेष्ठ होता है, कौन कितना ऊंचा होता है। जो छोटे को भी ऊंचा माने वो बड़ा होता है। गौतम स्वामी वही रुक गए। बोलो, कहा कि हम? किसने कहा? गौतम स्वामी ने कहा उस बच्चे को कि हम कौन है? निग्रंथ है, साधु है, हम संत है। राजकुमार, ये हाथ में क्या है? उस राजकुमार ने दूसरा सवाल पूछा कि जो है हमारा ओगा होता है कि पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या पूछा? कि तुम्हारे हाथ में ये क्या पकड़ रखा है? तो उन्होंने कहा, ये झाड़ू जैसा तुमने क्या पकड़ रखा है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा रजोहरण है। ओहो, इससे क्या करते हो आप? झाड़ू निकालते हो? नहीं नहीं, झाड़ू नहीं निकालते हैं। तो फिर इसका काम क्या है? ये बहुत कोमल होता है, जहाँ हम बैठते हैं वहाँ साफ करते हैं, ताकि कोई जीव, कीड़ी मकोड़ी, छोटे जीव ना हो, उसको साफ करके हमारे नीचे आकर ना मरे, इसलिए हम उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। छोटे छोटे जीव की भी इतनी रक्षा करते हो आप? हाँ, छोटे छोटे जीव की भी इतनी रक्षा करते हैं। और तीसरा सवाल पूछा, जो आपके हाथ में ये कपड़ा लेकर इसके अंदर क्या रखा हुआ है? तब उन्होंने कहा, ये क्या पकड़ रखा है? तब गौतम स्वामी ने कहा, पात्र पकड़ रखा है। इस पात्र में क्या करते हो? इस पात्र में हम भोजन लेते हैं। देखिए, ऐसे छोटे छोटे सवालों के जवाब देते, भोजन लेते हैं। उसमें उन्होंने, गौतम स्वामी ने कहा कि इस पात्र के, लकड़ी के जो हमारे पात्र है, उस पात्र के अंदर हम क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। जो हमारी साधु की भाषा में क्या बोलते हैं? गोचरी लेते हैं। हम भोजन लेने जाते हैं, आपके एक घर में नहीं, हम अलग अलग घरों में क्या करते हैं? गोचरी लेने जाते हैं तब जैसे ही भोजन का नाम सुना, तुम्हें घर लेना, मैं तुम्हें अपने घर लेना जाना चाहता हूँ। किसने कहा? वाति मुक्त कुमार ने। अपने घर आप चलोगे? हाँ, जरूर चलूंगा मैं, क्यों नहीं। अरे, मेरी माँ इतना अच्छा भोजन बनाती है, इतना अच्छा भोजन बनाती है कि मैं उंगली ही चाटता रह जाता हूँ। क्या हो जाता है? कि मेरी माँ इतना अच्छा भोजन बनाती है कि मैं उंगली ही चाटता रह जाता हूँ। देखिए, श्रीदेवी का हृदय विशाल था। क्या था? जैसे ही वो अति मुक्त कुमार अपने गौतम स्वामी को लेकर गए, और श्रीदेवी का हृदय कैसा था? एक विशाल था, हाथ उदार था, और वाणी मधुर थी। इन तीनों में ही अमृत भरा था। जिसके हृदय में स्नेहामृत हो, हाथों में दानामृत हो, और वाणी में माधुर्य अमृत हो, क्यों नहीं उनके पुत्र अमृत तत्व के समान हो सकते हैं। जैसे ही आपको, आप अगर आप उनके हाथ का भोजन खाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जबकि संतों से, चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी उसकी बात बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। जहाँ तुम चले जाओगे, चलोगे, हम चले। उस समय ये अति मुक्त कुमार गौतम स्वामी की उंगली पकड़कर, शास्त्र में नियम है कि गृहस्थ कभी किसी साधु की उंगली नहीं पकड़ सकता है, साधु भी नहीं, गृहस्थी के कंधे पर हाथ रख कर भी नहीं चल सकता है। लेकिन 14 पूर्व का ज्ञाता ये समझ रहे हैं, अगर मैं इसका हाथ झटके से छोड़ दूंगा तो इसका मन टूट जाएगा। साधु बाल स्वभाव की कितनी चिंता, अगर इसको ठेस पहुँच गई, ये ठेस कभी भी तोड़ नहीं सकती है। आप इसकी जुड़ी हुई बात मिलती है। भगवान बुद्ध जा रहे थे, कि एक समय की बात है, भगवान बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, मिट्टी के खिलौने बनाकर खेल रहे थे। 2 ग्रुप बने हुए थे मिट्टी के घर के, 10 बच्चे थे, 10 बच्चे एक तरफ, एक लड़के वाले थे और एक लड़की वाले थे। बच्चों ने देखा, दोनों गुड्डे गुड़िया की शादी कर रहे हैं,
मिठाइयाँ भी गजब किसकी, वो भी मिट्टी की मिठाइयाँ बनाई हुई थी। भलवाई बैठा रखा था, नाम लिख रखे थे लड्डू रसगुल्ले पनीर मसाला पूरी जो भी तैयारी, बारात आने को तैयार है। इतने में महात्मा बुद्ध नज़र आ गए। लड़के के माँ बाप ने देखा बहुत अच्छा मुहूर्त है, दोनों बच्चों की शादी के बीच में अगर महान आत्मा आ रहे, चलो इनको बुलाकर लाते हैं और अपने बच्चों को क्या करा देते हैं, आशीर्वाद दिला देते हैं, फिर उनको आहार बेराते हैं। पहुँच गए, बाबा जी को नमस्कार किया, हमारी गुड़िया का विवाह है बाबा जी, हमारे गुड्डे का विवाह है, हमारे बेटे का विवाह है, क्या करना है, आशीर्वाद दे दो। बच्चों की मिट्टी के गुड्डे गुड़िया बनाकर रखे थे, तो कहते हैं महात्मा बुद्ध ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, ऐसा कहकर बच्चे खुश हो गए। बाबा बहुत अच्छे थे, जितनी भी मिठाई है एक एक मिठाई सबको दे दी, वो भी मिठाई किसकी, मिट्टी की मिठाई। महात्मा बुद्ध ने इनकार नहीं किया, बर्तन नीचे रख दिए, मुस्कुरा रहे थे। आज ये बच्चे मिट्टी के मिठाई देने के भाव रखते हैं, असली मिठाई भी भविष्य में दे देंगे। उस वक्त गौतम स्वामी की उंगली पकड़ी, चलो मेरे घर पर, पकड़ा दी उंगली, आवाज़ दी दूर से, देखो माँ कौन आया है हमारे घर पर, हमारे यह आवाज़ देना मना है। जैन साधना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होती है। श्री देवी बाहर आई, वंदन किया, आहार पानी बेराया और अति मुक्तक कुमार को कहा, आज भगवान को तुम यहाँ ले आए बेटा, भगवान तो होंगे तुम्हारे, ये तो मेरे कौन है, दोस्त है, मित्र है, गजब की बात है बेटा। छोटा बच्चा अपने आप को बच्चा नहीं समझता, ये तुम समझते हो, वो नहीं समझता, तुम कहते हैं बच्चा, ये बच्चा है, बार बार ये सुनकर वो चिढ़ जाता है, जब देखो तब हमें बच्चा ही कहते हैं। हार लिया, बाहर छोड़ने आए, अब तुम जाओगे कहाँ, कौन पूछ रहा है, अति मुक्तक कुमार गौतम स्वामी से पूछ रहे हैं कि अब तुम कहाँ जाओगे। पूछा, मैं गुरु के पास जाऊँगा। हाँ, आपके गुरु भी है, बिना गुरु के शिष्य नहीं होता है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे से भी कितने अच्छे होंगे। हाँ, फिर तो पूछो ही मत, क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं, क्या हम उनके पास बैठ सकते हैं, क्या हम उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। बिल्कुल, भगवान है वो, फिर भी बच्चों के समान हमारे साथ में रहते हैं। भगवान के दर्शन के लिए उनके साथ चले गए, भगवान को हार बताया चले गए। अति मुक्त कुमार ने अपनी खुली आंखों से उनको देखा, उनके शुभ परमाणु उसे मैत्री व प्रेम अनुकंपा भाव करुणा भाव संभाव देखो कमाल का हो गया। दोनों ही नज़र मिली, सुरम्य वातावरण देखा, बच्चा झूम गया। उस वातावरण में अति मुक्तक कुमार ने अपने माता पिता को भूल गया। भगवान ने उपदेश सुनाया उसकी भाषा में, मस्त हो गया, बोध जाग गया, चरणों में प्रणाम किया। आपके पास आकर जो आनंद हुआ है, जो मुझे खुशी हुई है, उसे मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। छोटा सा बच्चा बोल रहा है, 9 साल का, मैं आपके चरणों में क्या करना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब महावीर ने कहा, अह स्वयं देवानुपिया, बिना माँ बाप के आज्ञा के हम क्या नहीं करते, दीक्षा नहीं देते हैं। टेंशन मत लो इसकी भगवान, मैं अपनी माँ से क्या करूँगा, दीक्षा की आज्ञा ले लूँगा। मेरी माँ मेरा मानती है, जिस चीज़ पर मेरा हाथ रख देता हूँ वो लाकर मुझे क्या कर देती है, लाकर दे देती है। मेरी खुशी पर ध्यान रखती है, क्योंकि वो मेरी माँ है भगवान, बहुत अच्छी है। चल दिया गुनगुनाता हुआ जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है, महल में आ गया, माँ से कहने लगा, एक चीज़ बहुत पसंद है आई माँ मुझे। किसे कह रहा है वो, अपनी माँ से अति मुक्त कुमार कह रहा है कि माँ मुझे आज एक चीज़ बहुत पसंद आई है। माँ ने कहा, क्या बेटा। मुझे भगवान महावीर स्वामी चाहिए। कौन चाहिए, कोई चीज़ वस्तु नहीं चाहिए उसे, परमात्मा प्रभु महावीर चाहिए, मैं उनके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ माँ। श्रीदेवी ने राजा विजय से कहा, ये क्या बोल रहा है तुम्हारा बेटा, लंगोट तो बांधनी नहीं आती और साधु बनूंगा कहता है, तुझे पता है साधु कौन, जो धर्म को जानता है वही साधु बन सकता है, तू तो अभी अबोध बालक है बेटा, भगवान के चरणों से आ गया। सुनो जी, आप हमारे कद पर ना जाओ। किसने कहा कि हम छोटे हैं, पर हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, प्रबल है। आप उम्र पर मत जाओ, आपको मालूम है जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं नहीं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ। दोनों माँ बाप के कान खड़े हो गए, दोनों माँ बाप के कान
खड़े रह गए। क्या बोल रहा है हमारा बेटा? आ गए तुम चक्कर में। तुम्हारी सोच उतनी भी नहीं जितनी मेरी है। तूने क्या बोला? एक बात पर मतलब बताऊंगा। शर्त है माँ, जिसका उत्तर मैं दूंगा आप आज्ञा दोगे। पहले बोल। क्या बोला? जिसे मैं जानता हूँ उसी को मैं नहीं जानता हूँ। पहले जो बोला उनको क्या, माता पिता को क्या नहीं हुआ? समझ में नहीं आया कि ये तेरी पहेली क्या है? ये तेरी पहेली को समझ नहीं पा रहे बेटा, तू हमें स्पष्टता से बता। जैसे उसने बताया कि माँ, जिसे मैं जानता हूँ उसी को मैं नहीं जानता हूँ। जिस आदमी का जन्म हुआ है वो एक दिन मरेगा, पर ये नहीं जानता कि ये कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा, कब मरेगा, ये नहीं जानता। मैं ये नहीं जानता कि किस कर्म के वजह से आत्मा नरक में जाती है, देवलोक में जाती है, तिरंच में जाती है, मनुष्य में जाता है। ये जरूर जानता हूँ जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे उसी गति में जाना पड़ता है माँ। अच्छा, वाह भाई वाह, मान गए। माँ बाप की तरह आँख फाड़कर देखने लगा। देखो माँ, तूने एक बार कहा था ना कि तू जिस पर भी हाथ रख देगा तो वह चीज़ तेरी हो जाएगी और तुझे ला कर दूंगी। तो वक्त आ गया है माँ वचन निभाने का। मुझे महावीर की शरण चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए माँ, मन वचन का संबंध जोड़ने के लिए जैन भागवती दीक्षा चाहिए। लेकिन बच्चा, उनके झांसे में न आने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी। दूसरे का लड़का, दूसरे की लड़की साधु साधु बने तो धन्य हो महाराज, धन्य है इसके माँ बाप। अगर खुद का बने तो अंदर गड़बड़ हो जाती है। राजा ने कहा कि इसका क्या कराओ, राज्याभिषेक कराओ। किसने कहा? राजा ने कहा कि इसका राज्याभिषेक कराओ। राज्याभिषेक की तैयारी होने लग गई। क्या होने लग गई? राज्याभिषेक की धूमधाम से तैयारी होने लग गई। और राजा के मन में एक ही था, जैसे हमने गत सुकुमार का वर्णन सुना था कि ये राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो इसका मन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसी तरह विजय राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को अतिमुक्तक कुमार को क्या किया, उस राजगद्दी पर बैठाया। पर उनको ये पता नहीं कि इसके मन के अंदर प्रबल वैराग्य के भाव जगे हुए हैं। राज्य के अंदर घोषणा करवा दी कि राज्याभिषेक की धूमधाम से तैयारी हो जाए। जैसे ही घोषणा कर दी, राज्याभिषेक की तैयारी होने लग गई। फिर उस अतिमुक्तक कुमार को, जो छोटे बच्चे को, उस राज सिंहासन पर बिठा दिया। क्या कर दिया? उस बच्चे को बिठा दिया और फिर पूछा, कहो राजन, किसको कह रहे हैं? अपने पिता अपने बच्चे से कह रहे हैं, जो राजगद्दी पर बैठा हुआ है उसे राजा क्या कर लिया, मान लिया। और उस राजा से अपने पिताजी पूछ रहे हैं कि अरे राजा, अब हम तुम्हारी क्या है, प्रजा है, कहिए आपकी क्या आज्ञा है, आपकी क्या आज्ञा है, अब तुम हमारे राजा बन गए हो, बोलो क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है हमारे लिए। क्या आज्ञा दी होगी उन्होंने अपने माता पिता को, क्या आज्ञा दी होगी? उन्होंने कहा, उस कुमार ने कहा कि मुझे पुत्रिका पन से मेरे लिए रजोहरण और पात्र मंगा कर मेरी दीक्षा का प्रबंध करो। पुत्रिकापन यानी मतलब क्या? जब भगवान का समोसरण लगता है, जैसे आपके मॉल, हमने बताया था मॉल और शॉप होती है, दुकानें होती है आप लोगों की, जैसे साड़ियों की, किराना दुकान वगैरह, जैसे ही भगवान का समोसरण लगता है उस समय पर दुकान समोसरण के बाहर ये पुत्रिकापन की क्या होती है, दुकानें लगी रहती है। पुत्रिकापन कहते हैं जिस दुकान पर रजोहरण पात्रा ओगा और मुफत्ती मिले, ऐसी उस दुकान को क्या कहते हैं, पुत्रिकापन कहते हैं। तो मुझे उस पुत्रिकापन दुकान से मुझे क्या करा दो, पात्र मंगवा दो, रजोहरण मंगा दो और मेरी मुपत्ति मंगा दो और मेरी दीक्षा का क्या करो, प्रबंध करो। इस तरह उस बच्चे ने कहा। अब इसको माँ बाप ने सोचा कि अब इसको बांधा नहीं जा सकता है। धूमधाम से दीक्षा हुई, अनेक वर्षों तक संयम पाला, अंतिम समय में उपुल गिरी से मुक्त हुए। भगवती सूत्र में भी एक उदाहरण आया, चेतना सुधार सकता है, जंगलों में रहते हुए, वनों में रहते हैं, श्री वन में रहते हैं, उनके साथ में अनेक साधु और मुनिराज है, स्थवीर मुनि है, सुबह सुबह निपटने के लिए गए। एक दिन पहले बारिश हुई थी, पानी भरा होगा, साधु चले गए,
क्या करे, एक तालाब में पानी जा रहा है, मिट्टी खोदी। उस बच्चे ने क्या किया, जो साधु बना हुआ था उसकी दीक्षा हो गई 8 साल के मुनि ने, उसने क्या किया कि तालाब में पानी जा रहा है, मिट्टी खोदी, पाल बना दी कि मेरी पात्री, जो पात्री थी छोटी, वह पात्री उस पानी के अंदर क्या हो गई, डाल दी, और जोर जोर से क्या बोल रहा है, मेरी पात्री चली भाई, मेरी पात्री चली, मेरी पात्री चली भाई, मेरी पात्री चली, ऐसी मेरी नाव चली भाई, मेरी नाव चली, ऐसे नाचते हुए नाच रहा है और देख रहा है, नाच रहा है देख रहा है। साधु ने, जो सब साधु थे, आकर के देखा ये साधु है और ये नाच रहा है, और पात्री क्या कर दी, उसमें पानी में डालकर चिल्ला रहा है, बोल रहा है और नाच रहा है, गा रहा है कि मेरी नाव चली भाई, मेरी नाव चली। साधु ने माथा पीटा, मन में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मन के अंदर, हमने कहा था ना, बोल रहे हैं, जैसे ही भगवान के पास आए और उसकी क्या करने लग गए, निंदा विकता करने लग गए कि भगवान आपने ऐसे साधु को, ऐसे मुनिराज को दीक्षा दी है छोटे बालक को, कि उसने क्या किया, पानी के अंदर अपनी पात्री डुबोकर मेरी नाव चली भाई, मेरी नाव चली, ऐसे जोर जोर से नाचते हुए गा रहा है। तब भगवान ने कहा, अरे शिष्य तुम हिलना निंदना मती करो। क्या कहा, तुम हिलना निंदना मती करो, यह चरम शरीरी जीव सेवा साधो आत्मा सा आराधो। क्या बताया भगवान ने कि तुम इसकी हिलना निंदा मती करो, ये चरम शरीरी जीव है, इसी भाव में क्या करने वाला है, मोक्ष जाने वाला है, हिलना निंदना मती करो, यह चरम शरीरी जीव सेवा साधो आत्मा आराधो, मोक्षगामी यह जीव जी, मोक्षगामी यह जीव जी, एवंता मुनिवर। देखिए इस तरीके से उनका नाम दीक्षा लेने के बाद एवंता मुनि रखा गया। तो देखिए हमने आज एक छोटे बालक का कैसे उन्हें अपने आत्मा का कल्याण किया, तो हमें भी अपने आत्मा का कल्याण करना है, समय भी होने के लिए आया है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आग में तिवे पनते तंजा सुत्ता गम्य अथा गम्य तदुभया गम्य, इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगौतालम जम एकदम अच्छा मेनम हिना करम अचखरम पयहीनम विनहीनम जोगहीनम गोसहीनम सुट्टुदेनम दुट्टुपड़िछेनम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जयम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों के अविनाशक न कियो तो तस्मिच्छामि दुखड़म। धरती पे स्वर्ग मिलता है खुशियों से मन खिलता है, अरे मिलता है मिलता है कितना प्यार मिलता है, उमा के आचल तने हुमा के आचल तले हुमा के आचल तले हुमा के आचल तने, धरती पे स्वर्ग मिलता है खुशियों से मन खिलता है, अरे मिलता है कितना प्यार मिलता है, उमा के आंचल तले हुमा के आंचल तले हुमा के आंचल तले हुमा के आंचल तले, बोलना चलना संभलना माँ सिखाती है, बोलना चलना संभलना माँ सिखाती है, देह में संस्कार जीवन को सजाती है, देह में संस्कार जीवन को सजाती है, काटे भी बन जाते पल में, अरे काटे भी बन जाते पल में फूलों से कोमल, हुमा के आंचल तले हुमा के आंचल तले हुमा के आंचल तले हुमा के आंचल तले,
हमको सुलाकर वो कभी रातें नहीं सोई, हमको सुलाकर वो कभी रातें नहीं सोई। माँ है परम जग में माँ जैसा नहीं कोई, माँ है परम जग में माँ जैसा नहीं कोई। अरे बला ना कोई हम पर, अरे बला ना कोई हम पर, इतनी दुआएं हैं ओ माँ के आँचल तले, ओ माँ के आँचल तले, ओ माँ के आँचल तले, ओ माँ के आँचल तले। धरती पे स्वर्ग मिलता है, खुशियों से मन खिलता है। अरे मिलता है, मिलता है, कितना प्यार मिलता है ओ माँ के आँचल तले, ओ माँ के आँचल तले, ओ माँ के आँचल तले, ओ माँ के आँचल तले। अनगिन है उपकार कैसे भूल जाए हम, अनगिन है उपकार कैसे भूल जाए हम। कर्मा की सेवा कर मंदिर बनाए हम, कर्मा की सेवा कर मंदिर बनाए हम। क्यों जाए मंदिर मंदिर, अरे क्यों जाए संजय मंदिर, जब मिल जाए भगवान माँ के आँचल तले, हो माँ के आँचल तले, हो माँ के आँचल तले, हो माँ के आँचल तले। धरती पे स्वर्ग मिलता है, खुशियों से मन खिलता है। अरे मिलता है, मिलता है, कितना प्यार मिलता है ओ माँ के आँचल तले, ओ माँ के आँचल तले, ओ माँ के आँचल तले, ओ माँ के आँचल तले। धरती पे स्वर्ग मिलता है, खुशियों से मन खिलता है। अरे मिलता है, मिलता है, कितना प्यार मिलता है ओ माँ के आँचल तले, 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 हो माँ के आँचल तले, हो माँ के आँचल तले। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँ, भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि प्रवादी राज पर्युषण की बहुत ही सुंदर भाव से आप आराधना कर रहे हैं, प्रतिकमन तपस्या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वह दिन भी निकट आ रहा है जिसमें हमें अपना लेखा जोखा करना है। हम चारों हम जीवन में इस प्रवादीराज पर्युषण में एक संकल्प करें कि चारों तीर्थ में से साधु साध्वी श्रावक और श्राविका की किसी की निंदा न करे, किसी की बुराई न करे, किसको ऊपर नीचे न बताए, किसका विरोध न करे। अगर समभाव से रहेंगे तो अवश्य ही कर्मों का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। आपको विदित है जैन स्थानक के अंदर 8 दिन का पंच तीर्थंकरों का जाप चल रहा है और उसके पश्चात एक एक परिवार में जाप प्रारंभ होगा और उस जाप के अंदर 25-30 नाम मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो सभी भाई बहनों से, जामनेर एक धर्म नगरी है, महान नगरी है, मैं इस महानगरी से
एक अपेक्षा रखती हूँ कि आप अपना नाम तुरंत ही माँ सती जी के पास रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आप अपने घर के अंदर एक धर्म की ऊर्जा ला सकते हैं और कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अब हम अंत में भगवान की स्तुति कर लेते हैं। आप सभी एक आसन से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे और एक लंबी सांस ले, जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी सांस ले और उस सांस को धीरे से छोड़ें, और धीरे और धीरे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पीर। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पीर। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। महावीर शांति जिने चर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। बोलिए पंचतीर्थंकर भगवान की जय। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ पर्वादिराज पर्युषण के लिए मेरी तरफ से एवं साध्वी मंडल की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आपकी भावना उच्चतम उच्च बने इसी मंगल में कामना के साथ ओम शांति मंगल पाठ। ओम रीम सिम चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम रीम सिम चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम रीम सिम चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम रीम सिम मरम सिम जय सिद्धा विजय सिद्धा पते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम रीम सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम ह्रीं सिं अरं सिं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओं ह्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम ह्रीं सिं अरं सिं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओं ह्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चत्तारी मंगलम नरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली मंगलम चतारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली पनतोमो लघुत्तमो। चतारी शरण पोज्यामी अरियंता शरण पोज्यामी सिद्धा शरण पोज्यामी साहू शरण पोज्यामी केली पनतोमो शरण पोज्यामी। अरिहंत का शरणा सिद्ध का शरणा साधु जी महाराज का शरणा केवली परुपी दया धर्म का शरणा चार सरना मंगल करना और सरना निको जय भवि प्राणी आदरे तो अक्षय। बोलिए गसुकुहाल मुनि की जय। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत गेंदाबाई मोहनलाल लोढा मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर जिल्हा जळगाव। अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जवाहरलाल लोढा। धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बड़ा कोठा जामनेर जिल्हा जळगाव। प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी जामनेर जिल्हा जळगाव।